गवर्नमेंट, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सही होंगे। एंड लास्ट वीक मैं अपने एक फ्रेंड के साथ कुछ एब्स्ट्रैक्ट शूट करने का था, लाइक स्ट्रीट स्टाइल, एंड उसका नाम हार्टित है और हम ऑनलाइन मिले थे। वो काफ़ी अच्छा कमर्शियल वीडियो शूट करता है, काफ़ी प्रोफेशनल वीडियो शूट करता है। सो वट मेक्स एन वीडियो मोर अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग, अगर सोचा जाए तो विजुअली तो इफ़ेक्ट्स एंड ट्रांजिशन काफ़ी अच्छा वीडियो को बनाते हैं, बाकी साउंड डिज़ाइन भी और काफ़ी चीज़ें वीडियो को अच्छा बनाती है। बेसिकली अगर विजुअली देखा जाए तो ट्रांजिशन और इफ़ेक्ट्स काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट डालते हैं। सो उस दिन हमने कुछ ऐसा एब्स्ट्रैक्ट शूट किया था, हम पहले से ही प्री प्लान्ड करके गए थे कि लाइक हमने एक स्लो शटर लेना है, और गेटअप भी हमारे भाई का वैसे से था कि लाइक रोड पे स्केटबोर्डिंग करना है और एक स्केटर की इवनिंग दिखानी कि वो कैसे बाहर हैंग आउट करता है। ये है उस वीडियो की टाइमलाइन, दिस इज हाउ माई टाइमलाइन लुक लाइक। एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ। एक्चुअली इसमें जो म्यूज़िक है वो मैंने म्यूट किया हुआ है कि ताकि कोई कॉपीराइट इशू ना आए। एंड दिस हाउ इट्स लुक, यहाँ पर जो लाइट जैसे कि फ़ोटो क्लिक हुआ है तो इसमें मतलब मैंने एक फ्लैश ट्रांजिशन डाला है, यहाँ पर ये पार्ट कट कर लिया था और जो जो मेरे को चाहिए इम्पोर्टेंट वो मैंने कट कर दिया है। इसमें मैंने कलर ग्रेड किया हुआ है, ये मैंने सिक्वेन 9 में डाल रखा है। वेट, ये हमने इसी कलर प्रोफाइल में शूट किया था, ये जो हमारा लाइट फ्लेयर ओवर ले और नीचे मैंने एक साउंड इफेक्ट डाला हुआ है। दो क्लिप्स के बीच में मैंने एक लाइट फ्लेयर ओवरले डाला हुआ है कि ताकि ट्रांजिशन स्मूथ लगे, एक अच्छा लुक आए। ये हम इसलिए ऐड करते हैं कि लाइक इससे फिल्म वाइब आती है, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं। और ये जो लाइट फ्लेयर है इसका डाउनलोड लिंक मैं आपको दे दूँगा, वैसे आप अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और ये है दूसरा, फ़ोटो क्लिक हुआ है तो इससे एक ट्रांजिशन बना सकूँ मैं, तो सबसे पहले मैं एक एडजस्टमेंट ले लेता हूँ। यहाँ से हम न्यू एडजस्टमेंट ले लेते हैं, ये एडजस्टमेंट ले लिया हमने, इसके यहाँ ड्रैगन ड्रॉप कर देते हैं। जितना पार्ट चाहिए मेरे को इतना से पार्ट में चाहिए ट्रांजिशन, तो इसे मैं कट कर देता हूँ। हम इसमें इफेक्ट में जाएंगे, लेवल ऐड करेंगे, इस पर ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इफेक्ट से, और हम इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे, देन इसका जो वाइट लेवल है इस पर हम की फ्रेमिंग करेंगे, लाइक इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू है 255 वाइट का इनपुट लेवल, तो इस पर की फ्रेम लगा देते हैं और इस पर इसकी वैल्यू थोड़ा सा कम कर देते हैं, हम लाइक इतना कर देते हैं, 150 तक कर देते हैं, बाकी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी एक जब सेंटर में जाएंगे तब हम इसको पूरा ज़ीरो कर देंगे कि वो ऐसा इफ़ेक्ट आ जाए, एंड देन एंड में हम इसको दोबारा बढ़ा देंगे, लाइक अराउंड जितना भी आप कर सकते हो, मैं 162 कर लेता हूँ। चलो अब ये इफ़ेक्ट देखिए आप, ये लेवल से, एंड जो नेक्स्ट इफेक्ट हमारा ये कंप्लीट करता है। एक्चुअली ये थोड़ा एडजस्ट हुआ है, इसमें की फ्रेम्स लगी हुई है और ये मैंने इसको एनिमेट किया था। एक्चुअली ये फोटोशॉप में होता है, इसमें ये इसका ट्रेंड भी अभी आया था इंस्टाग्राम में, काफ़ी लोगों ने यूज़ किया था, जिसमें लाइक फ़ोटो कट आउट पहले दिखता है फिर बैकग्राउंड दिख, जैसे इसमें फ़ोटो दिख रहा है, फिर फ़ोटो एक इमेज में डिजॉल्व, एक वीडियो में डिजॉल्व हो रहा है, उसी का कट आउट है। तो इसको बनाने के लिए हम पहले इसको कर देते हैं, लाइक ये हमारा फर्स्ट फ्रेम है तो हम इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। एक्सपोर्ट फ्रेम में जाएंगे हम, तो इसका एक नाम रख लेते हैं V1S, तो ये एक स्क्रीनशॉट है, ये आपके ये बताते हैं कि कहाँ पर सेव हो गए, रील वाले फोल्डर में सेव हुआ है,
तो ये मैंने V1S नाम से सेव किया था। फिर मैंने इसका PNG क्रिएट किया। मैंने पहले रील बनाई थी, तो उसमें भी मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था। देन उसका फोटोशॉप में जाके पीछे बैकग्राउंड रिमूव किया और उसको एज अ ट्रांजिशन यूज़ किया। और ये इफेक्ट के लिए भी मैंने यही यूज़ किया टेक्निक, उसका PNG एक्सट्रैक्ट करके। आपको मैं वो रील दिखाता हूँ, ये जो PNG आप एक्सट्रैक्ट करोगे उसको प्रीमियर में इंपोर्ट कर लेना है। देन उसको फिर सिंपली आपको की फ्रेमिंग करके एडजस्ट कर देना है। इसकी पोजीशनिंग मैंने यहाँ से हम आप इसकी पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं, और इसकी ये वर्टिकल डायरेक्शन में आप इसकी चेंज कर सकते हैं। ऐसे इसको जैसे जैसे आगे किया तो मैंने की फ्रेम किया, इसको एनिमेशन टाइप इसका स्केल में मैं इसको एनिमेट करता हूँ। जैसे इतना बड़ा है तो ये यहाँ जाके छोटा हो जाएगा, तो ऐसे इसका एनिमेट कर सकते। ये काफ़ी अच्छा इफेक्ट बन जाता है, ये वाला इफेक्ट इन्वेस्ट कर रखा है इसमें मैंने। काफ़ी सारी जब वीडियो शूट कर रहा था तो काफ़ी सारे फोटोज़ क्लिक की थी, तो उनको मैंने थ्री फ्रेम तक रखा उसको, और एक के बाद एक सीक्वेंस में अरेंज किया, उनके स्केल को सिमिलर रखा, सबके स्केल को सिमिलर रखा। अगर एक का स्केल है तो आप उसको कॉपी कर लो और इस सब में जाकर राइट क्लिक करके पेस्ट आर्ट रिमूव कर सकते हैं, तो वो सेटिंग कॉपी हो जाती है। देन उससे ये इफेक्ट बना। सो यू गाइस कैन यूज़ दीज ट्रांजिशन एंड इफेक्ट्स इन योर वीडियोज़ टू मेक योर वीडियो मोर इंटरेस्टिंग। एंड हाँ, मैं आप लोग को एक बात बतानी थी। मैं सोच रहा हूँ कि ये बैकग्राउंड में कुछ ग्रे सा एक वॉलपेपर है वो लगाऊं, ये कुछ ऐसे दिखता है। मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, एंड इसकी मोर डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। बट आप पहले कमेंट में बताना कि क्या मुझे इसको अपने बैकग्राउंड में लगाना चाहिए। और हाँ, ये जो ये फ्रेम्स हैं इनको भी मैं चेंज करने वाला हूँ, तो क्या ये ठीक रहेगा? अगर आपको और कुछ जानना है और ट्रांजिशन और इफेक्ट्स के बारे में वीडियो और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताना। और आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। ड्रियुक साइनिंग आउट। थैंक यू। प्लीज़।